जय हिंद भाइयों, आप सभी का स्वागत है देसी टेक अड्डा में। मेरा नाम है साहिल हुसैन। भाइयों, आज की इस वीडियो होने वाली है कि Redmi नोट 7 प्रो आ चुका है मार्केट में। अब बहुत से लोग ये लगता है कि इसको कैसे बुक करें, फ्लिपकार्ट से ये बुक होता है और काफ़ी जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो भाइयों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने फ्लिपकार्ट से Redmi नोट 7 प्रो मंगा सकते हैं। ठीक है भाइयों, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर और मैं आपको बताता हूँ कि फ्लिपकार्ट से कैसे इसको ऑर्डर कर सकते हैं। तो भाइयों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आ गए हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। कुछ इस तरीके का इंटरफेस हमारे सामने आया है। भाई, सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेनी है। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर रखी है। इसमें आपको सिंपली साइन अप कर देना है। ठीक है, साइन अप करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आएगा। ठीक है भाइयों, फिर आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सर्च में जाना है और लिखना है Redmi नोट 7 प्रो। ऐसे लिखने के बाद ये देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आया। भाइयों देखिए, ऊपर लिखा आ रहा है लॉन्चिंग Redmi नोट 7 प्रो फ्रॉम 13,999 स्नैपड्रैगन 675 48 MP कैमरा सेल टुमारो 12 बजे। तो भाइयों, आपको क्या करना है कि अभी आप ऐसे ऑफर में क्लिक करेंगे और ऐसे बाय करने जाएंगे तो आपको आउट ऑफ स्टॉक और या फिर कमिंग सून दिखाएगा। ठीक है भाइयों, और उसके बाद में अगर आप 12 बजे दोपहर के 12 बजे आप इसको अगर बाय नाउ करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि बाय नाउ दिखाएगा, नोटिफाई में नहीं दिखाएगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आप 11:58 या 59 सेकेंड पे आएंगे दोपहर में, आने के बाद में सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नोटिफाई में आएगा, इसको बैक करना है, फिर से एंटर करना है, फिर से बैक करना है, फिर से एंटर करना है। ये आपको प्रोसेस तब तक करना है जब तक नोटिफाई में हट के बाय नाउ पे ना आ जाए। ठीक है भाइयों, ऐसे करके फट से आप बाय नाउ पे क्लिक कर दीजिएगा, उसके बाद में अपना मोबाइल ऑर्डर कर लीजिएगा। इसके लिए भाइयों आपको क्या करना है कि आपको अपना डेबिट कार्ड और जिससे भी आप पेमेंट करेंगे ऑनलाइन मेथड से, वो आपको पहले से ही सेव करके रखना है। और सेव करने के बाद में आपको सिंपली अपना जो भी 3 डिजिट का CVV है तुरंत डालना है और बाय नाउ दबा देना है, क्योंकि आप जब भी अपनी कार्ड डिटेल फिल करने जाओगे तो आपका ये हट जाएगा, फिर नोटिफाई में दिखाने लग जाएगा। वैसे ही आपको सारी डिटेल्स में सेव कर लेनी है, एड्रेस वगैरह सब सेव करके रखना है। और जैसे ही यहाँ पे कमिंग सून हट के या फिर नोटिफाई में हट के 12 बजे दोपहर के आए बाय नाउ, उस पर तुरंत क्लिक करके आपको अपना मोबाइल ऑर्डर कर लेना है भाइयों। ठीक है, ये ऑफलाइन COD इसमें अभी नहीं आया है और ये फ्लिपकार्ट से ही आएगा। ठीक है भाइयों, ऐसे ही जैसे ही 11:58 हुआ वैसे ही आप इस पर क्लिक करके सिंपली अपना ऑर्डर बाय नाउ कर सकते हैं। ठीक है भाइयों, आशा करता हूँ मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो। भाइयों, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन दबाकर बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।